नमस्कार छात्रों, कक्षा 7वीं के हिंदी विषय के वर्ग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। छात्रों, आज हम 7वीं कक्षा के हिंदी विषय में 8वीं कविता देखने वाले हैं, जिसका नाम है जीवन नहीं मरा करता है। इस कविता के कवि हैं गोपाल दास सक्सेना, नीरज। गोपाल दास सक्सेना जी का जन्म 4 जनवरी 1924 को पुरावली इटावा स्थान पर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज के गीतिकाएं, दर्द दिया। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नीरज इस नाम से इन्होंने लेखन किया है। इनका परिचय है कि पद्मभूषण गोपाल दास सक्सेना यानी नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार है। ये गीत लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं और कविता का वाचन भी कवि सम्मेलनों में करते हैं। छात्रों, 8वीं कविता जीवन नहीं मरा करता है, इसमें कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इनकी शाश्वतता की ओर संकेत दिया है। तो चलिए देखते हैं जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन्न पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तमकी उम्र बढ़ाने वालों, लौकी आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेके गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंदन हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। छात्रों, इस कविता का वाचन हमने किया है, अब हम इस कविता का अर्थ देखेंगे। छात्रों, पहली पंक्तियों में कवि कहते हैं, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छात्रों, यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं कि यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए, समय से पहले ही टूट जाए, तब भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए, आंसू व्यर्थ नहीं बहाने चाहिए। आंसू को यहाँ पर शब्द उपयोग में लाया गया है, अश्रु, अश्रु मतलब ही आंसू। इन्हें कवि ने मोती कहा है, इन मोतियों को हमें व्यर्थ बहाना नहीं चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके, तब भी जीवन समाप्त नहीं हो जाता है, हमें आगे भी समय मिल सकता है कि हम वो सपने हमारे पूरे कर लें, इसीलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। कवि आगे कहते हैं, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए। छात्रों, यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है, मतलब वो नीलाम हो जाते हैं, तो समझना चाहिए कि हमारी तपस्या पूरी हो गई। परिस्थितियों से हार कर रूठ कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता, हमें उनसे लड़ना चाहिए। यदि कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना पड़ता है, फेंक नहीं दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों,
कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से कुछ यदि बुझ जाए तो भी बाकी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं, इसीलिए वो आंगन कभी मरा नहीं करता। इसीलिए हमें किसी भी परिस्थिति में निराश न होने की सलाह यहाँ पर कवि हमें इस कविता के माध्यम से दे रहे हैं। छात्रों, कवि आगे कहते हैं, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। छात्रों, जिल्द मतलब वस्त्र या आवरण। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है। रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतार कर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हो। हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, परंतु बच्चों के आनंद पर कोई असर नहीं होता। इसी को कवि ने इन पंक्तियों में कहा है कि चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। खिलौने खो जाते हैं लेकिन बचपन वैसा ही रहता है। छात्रों, आगे कवि कहते हैं, कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन्न पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौकी आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है। छात्रों, पनघट मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर लोग पानी भरते हैं, और किश्ती का मतलब होता है नाव, और पतझर ये पत्ते झरने की ऋतु होती है। तम इस शब्द का अर्थ है अंधकार। छात्रों, इन पंक्तियों में हमें कवि बताते हैं कि पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। जाने कितनी गगरिया वहाँ आए, दिन टूटती रहती है, परंतु पनघट उनका कभी शोक नहीं मनाता। पनघट पर आने वालों की गगरिया बहुत सारी फूटती है लेकिन पनघट उन चीज़ों का कभी शोक नहीं मनाता। वहाँ की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पर लोग आते ही रहते हैं। निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है और आशा रूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है। छात्रों, यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं कि तम मतलब अंधेरा, हमारे मन में निराशावादी दृष्टिकोण का अंधेरा हमें बढ़ाना नहीं चाहिए। उसके जगह पर हमें हमारे मन में आशा रूपी प्रकाश हमेशा रखना चाहिए। लौ इस शब्द का अर्थ होता है दीपक की ज्योत। पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। छात्रों, पतझड़ इस शब्द का अर्थ हमने देखा कि पत्ते झड़ने की ऋतु। इस ऋतु में वृक्ष से पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं लेकिन फिर भी उस वृक्ष पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वसंत आता है तब उस वसंत के ऋतु में सारे वृक्षों पर हम फिर से पत्ते और फूल आ जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है, मतलब फिर से एक बार हरा भरा हो जाता है जब वसंत ऋतु आती है। इसीलिए यहाँ पर कवि हमें बताते हैं कि हमें किस तरह से आशावादी दृष्टिकोण हमारे मन में रखना चाहिए। उसके बाद कवि कहते हैं, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंदन हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। छात्रों, यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं कि माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूलों को तोड़ लेता है लेकिन वह वहाँ फैली सुगंध नहीं लूट सकता। कोई भी व्यक्ति अगर वृक्ष से फूल तोड़ ले सकता है लेकिन फूलों की सुगंध लुटा नहीं सकता। तूफान आते रहते हैं परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तूफान आते ही रहते हैं लेकिन फूल वैसे ही रहते, फूलों की सुगंध वैसे ही रहती है।
कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते कि जिनके मन में हमेशा नफरत का भाव रहता है दूसरों के लिए, वे उनके मन में नफरत ही रहती है, वे सदा दूसरों की निंदा करते रहते हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। कुछ मुखड़ों के नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। दर्पण में हमेशा हमें सच्चाई ही दिखती है, मतलब अगर कोई व्यक्ति अच्छा हो तो वो हमेशा अच्छा ही रहेगा। किसी दूसरे व्यक्ति ने उसकी निंदा करने से उसमें कोई भी बदलाव या फर्क नहीं आने वाला, उसकी जो सच्चाई होती है वो वैसे की वैसे ही रहने वाली है। छात्रों, इस तरह ये जो कविता है जीवन नहीं मरा करता है, गोपालदास सक्सेना इन्होंने लिखी हुई कविता, इस कविता में कवि ने हमें आशावादी दृष्टिकोण रखने का महत्व बताया है। जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, कठिनाइयां आए, कठिन परिस्थितियों में हमें हमेशा अच्छी तरह से विचार करके आशावादी दृष्टिकोण रख के उन समस्याओं का हल ढूंढ लेना चाहिए, और इसी तरह से शाश्वतता का भी संकेत हमें यहाँ पर कवि ने दिया है। धन्यवाद।